शिवराज कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लगाई। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में भोपाल में हुई कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पास किया गया। हालांकि इस दौरान सीएम शिवराज काफी भावुक दिखे। उन्होंने कैबिनेट के अपने साथियों के साथ सभी अधिकारियों का शुक्रिया किया। सीएम शिवराज ने इस दौरान कोविड का भी जिक्र किया और अधिकारियों की तारीफ भी की। मंत्रिपरिषद के सभी सहयोगी साथी और हमारे सभी एसीएस पीएस एचओडी अधिकारी मित्रों, मैं आज अत्यंत प्रसन्न हूं। जितना कठिन समय में हम लोगों ने ये सरकार संभाली थी, आपको ध्यान होगा जब शायद 24 मार्च को शपथ ली थी तब कोविड की काली छाया पूरे देश में एक ऐसा वातावरण पैदा कर दिया था कि चारों तरफ डर, परेशानी, कैसे निपटेंगे, क्या होगा, चारों तरफ हताशा, निराशा और अनिश्चितता का वातावरण था। वैसे समय में शायद पहली बार होगा कि एक सदस्यीय मंत्रिमंडल था मेरा। कई दिनों तक एक ही मंत्री था, मुख्यमंत्री, फिर पूरा मंत्रिमंडल समाहित था। लेकिन अधिकारी मित्रों के सहयोग से हमने कई दिनों तक, अकेला मुख्यमंत्री था, मंत्रिमंडल नहीं था, वैसी परिस्थिति भी कोविड से निपटने की वैसी परिस्थितियों में भी भरपूर प्रयास किया। बाद में मंत्रिमंडल बना तो पंच प्यारे आए, कई दिनों तक उनके साथ सरकार चली। कैबिनेट ने अपनी बैठक में कई सौगातों को पास कर दिया। सरकार ने अब सरकारी कॉलेजों में पढ़ाने वाले अतिथि विद्वानों का मासिक मानदेय 37,500 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया है। वहीं पटवारियों को 3,000 रुपये प्रति माह कृषि राज्य सर्वेक्षण भत्ता मिलेगा, जबकि संबल खिलाड़ी योजना को भी मंजूरी दे दी गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही राज्य में आचार संहिता लग सकती है, लिहाजा कैबिनेट मीटिंग के बाद सीएम शिवराज सभी अधिकारियों और मंत्रियों की तारीफ कर उनको धन्यवाद देते दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।